Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्वागत है आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. सो वेरी गुड मॉर्निंग राहुल, आलोक, संजीता, विष्णु, सपना, प्रीति, शहदाब, एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग. सो जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 29 नवंबर के टॉप मोस्ट करंट अफेयर को. कल हमने जो पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे और लास्ट में करेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. बात कर लेते हैं अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की, कि नवंबर मंथ में कौन से बैच स्टार्ट होने वाली है. सो नवंबर मंथ में जो हमारी लास्ट बैच स्टार्ट होने जा रही है वो स्टार्ट होगी कल से, यानी कि 30 नवंबर से. और ये जो बैच है ये बैंक और SSC दोनों के लिए है और ये बाइलिंगुअल में होगा. दैट मीन्स ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा. ठीक है, बैंक की जो बैच है जो कल से स्टार्ट हो रही है, इसकी टाइमिंग मॉर्निंग 10:30 to 12:30 है. और इसके बाद जो SSC की बैच स्टार्ट हो रही है, इसकी टाइमिंग 7:30 to 9:30 PM है, यानी कि ये इवनिंग में स्टार्ट होगी. तो जिनको इनरोल करवाना है करवा लीजिए, कल से ये दोनों बैच स्टार्ट हो रही है. इनरोल कैसे करवा सकते हैं, इसके लिए सिंपली आपको विजिट करना है इस वेबसाइट पर, या फिर आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं. अदरवाइज जो भी नियर बाई ब्रांच है आप वहाँ पर विजिट करके बहुत ही ईजी वे में एडमिशन करवा सकते हैं. तो जिनको इनरोल करवाना है फटाफट से इनरोल करवा लीजिए, कल से ये बैच स्टार्ट हो रही है और ये नवंबर मंथ की लास्ट बैच है. ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग सपना, निष्ठा, जगदम्बा, इंद्रजीत, रोहित, अभिषेक, मौसमी, नरेंद्र, रविंद्र, पवन, संचिता, ममता, ओके एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग. चलिए आते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे पर, कि आज का हमारा मॉर्निंग थॉट क्या है. सो हमारा आज का जो मॉर्निंग थॉट है वो है, डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलर एवर विल. इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि हार से ज़्यादा जो हमें खुद पर एक डाउट होता है ना, कि पता नहीं हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो हमारे सपने को ज़्यादा मारता है. तो हार से भी ज़्यादा हमारे सपने को जो एक चीज़ मारती है, एक जो वर्ड है वो है डाउट. इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी खुद पर डाउट मत करिए कि कोई काम आप नहीं कर सकते. अगर आपको खुद पे भरोसा है और आपको लगता है कि आप वो काम कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं. सो वहाँ पर ये फेलियर वर्ड आएगा ही नहीं, है ना. तो कभी भी खुद पर डाउट मत करिए. अगर आपने कोई सपना देखा है तो आप में वो कैपेबिलिटी है, तभी आपने वो सपना देखा है. एक बार अपना गोल सेट करने के बाद कभी भी खुद पर डाउट मत करिएगा कि हमने ये जो देखा है, मतलब ये जो सोचा है कि हम इसको करेंगे, पता नहीं हम इसको कर भी पाएंगे या नहीं. एक बार ड्रीम सेट करने के बाद कभी भी डाउट अपने माइंड में नहीं लाना है. सो ये जो डाउट है ना, खुद पर भरोसा ना होना जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा रीज़न होता है हमारे ड्रीम को, हमारे एम को अचीव ना करने का. तो अपने डिक्शनरी से ये डाउट वर्ड निकाल दीजिए और ये फेलियर वर्ड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा. ठीक है, सो हार्डवर्क करते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए. और इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. बात कर लेते हैं हमारे टॉप चैंपियंस की. तो जिन जिन लोगों ने आंसर कॉमेंट किया था, ऑब्वियसली वो सभी क्या है, हमारे चैंपियन है और हमारे विनर है. नाम आप देख सकते हैं क्लियरली. सो कॉन्ग्रेचुलेशन ईच एंड एवरी वन, आप सभी क्या है, हमारे चैंपियन है एंड विनर है. आते हैं रिवीजन सेशन पर, कि हाँ जी सुधीर जी, इसका PDF मिलता है क्लास एंड होने के बाद, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगा. ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे रिवीजन पर. कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा 2023 में, है ना, 2023 यानी कि नेक्स्ट ईयर, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर जो चीफ गेस्ट हैं वो कौन है, वो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है, नाम क्या है, अब्दुल फताह अल सीसी. सो अब्दुल फताह अल सीसी जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, इनको चीफ गेस्ट एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है रिपब्लिक डे के ओकेजन पर. सो रिपब्लिक डे 2023 में जो चीफ गेस्ट होंगे वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है और उनका नाम है अब्दुल फताह अल सीसी. क्लियर हो गया. इसके अलावा अगर हम बात करें तो लास्ट 2 ईयर में किसी भी चीफ गेस्ट को नहीं इन्वाइट किया गया था बिकॉज ऑफ कोविड पैंडमिक. और उसके पहले जिनको बुलाया गया था वो ब्राजील के प्रेसिडेंट थे. नाम क्या है उनका, जल्दी से कमेंट करके बताइए, कल मैंने आप लोगों को बताया था. ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था उदयपुर, ये क्या करेगा, ये जो फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग है इंडिया का, 4th to 7th December को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये उसको होस्ट करेगा. तो जो पहली मीटिंग है G20 शेरपा की, जिसको इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा, क्योंकि 1st December को इंडिया इस G20 का क्या कर रहा है, जो प्रेसिडेंसी है, जो अध्यक्षता है, उसको ये एज्यूम कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है. सो इसके अंडर जो पहली G20 शेरपा मीटिंग है ये कहाँ पर होगा, ये उदयपुर में होगा, इसको याद कर लीजिए. ओके, हाँ, जेयर बोल्सोनारो, वेरी वेल जेन, चलिए क्लियर हो गया. ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर. और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो ये है कि जो
बाइनियल एयर शो है ना, नाम क्या है? एरो इंडिया। और ये इस बार कौन सा एडिशन था? ये 14th एडिशन था। सो एरो इंडिया का जो 14th एडिशन है, ये आपका कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? बेंगलुरु के येलहंका में। और कब से कब तक होगा ये? 13th to 17th फरवरी को होगा 2023 में। और ये इस बार इसका जो एडिशन है, ये कौन सा एडिशन है? ये 14th एडिशन है। सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो हमारा बाइनियल एयर शो है, नाम क्या है इसका? एरो इंडिया, जो इस बार 14th एडिशन होगा, ये फरवरी मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब कंडक्ट कराया जाता है। और इस बार ये 13th से 17th फरवरी 2023 जो आने वाला है, उसमें ये क्या किया जाएगा? ऑर्गेनाइज कराया जाएगा बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन येलहंका में। ठीक है, ओके। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पहले मेल प्लेयर बने हैं जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप क्या किया है? स्कोर किया है, मतलब 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले जो पहले प्लेयर बने हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। सो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप में क्या किया है? स्कोर किया है, यानी कि गोल किया है। क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट हेडलाइन इज यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, इन्होंने पद्मश्री अवार्डी, खेल रत्न अर्जुन अवार्डी एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया, नाम क्या है इनका? दीपा मलिक। इनका नाम क्या है? इनका नाम है दीपा मलिक और इनको अम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। इनको किस चीज़ का अम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? निक्षय मित्रा का। सो निक्षय मित्रा की जो ब्रांड अम्बेसडर बनी है, इनका नाम दीपा मलिक है। इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और ये पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, नाम इनका क्या है? दीपा मलिक। क्लियर हो गया? ओके, मुझे ये बताइए, इंडिया ने जो एक टारगेट सेट किया है टीबी इरेडिकेशन का, है ना, कौन से ईयर तक का टारगेट रखा गया है कि इंडिया से टीबी को कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया जाएगा? जल्दी से हमें ईयर कॉमेंट करके बताइए कि कौन से ईयर तक टीबी, जो ट्यूबरक्लोसिस है, उसको इंडिया से कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, वो टारगेट ईयर कौन सा है? चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, ये पहला इंडियन इंस्टीट्यूशन बना है जिन्होंने टॉप 50 में क्या किया है, रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। ओके, 2025, वेरी वेल डन। सो नेक्स्ट हेडलाइन इज तेलंगाना विल हैव द फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ द कंट्री इन हैदराबाद बाई स्काई रूट एरोस्पेस। इसका मतलब क्या हुआ? तेलंगाना में स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा हैदराबाद में देश की पहली जो इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी है, ये अवेलेबल होगी। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है ये? तेलंगाना। यहाँ पर आपको तेलंगाना याद करना है। विक्रम एस के लॉन्चिंग के दौरान इसको क्या किया गया था? इसको अनाउंस किया गया था कि यहाँ पर हम इसको सेटअप करेंगे। सो क्या बोलते हैं, हाँ, तेलंगाना में इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी ये अवेलेबल होगा। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, इन्होंने क्या किया? लिस्टर गोपाल रत्न अवार्ड को कॉन्फर किया ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल मिल्क डे। अब नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है कमेंट करके। 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है, तो तीनों कैटेगरी में किसको दिया गया है, तीनों कैटेगरी कौन कौन सी है? आई रियली होप सो कि वो आप लोगों ने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा और एक कीवर्ड के साथ उसको याद भी कर लिया होगा, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर। सो यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन, मतलब जो प्रसार भारती है, इन्होंने क्या करेगा, ये 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली को होस्ट करेगा। कब से कब तक? 25th से 30th नवंबर तक। तो जो हमारा 59th कौन सा एडिशन है? 59th एडिशन है ना, 59th एबीयू जनरल असेंबली। एबीयू का मतलब क्या है? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली। इसको किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? प्रसार भारती के द्वारा होस्ट किया जाएगा 25th से 30th नवंबर तक। 25th से ये स्टार्ट हो गया है, 30th नवंबर तक ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, प्रसार भारती का हैप्पी बर्थडे कब होता है? रिसेंटली इसके सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं? बस दो चीज़ बता दीजिए, लोगों तो आप बना के दिखाएंगे नहीं। ओके, चलिए अब आते हैं हमारी आज की टॉप हेडलाइन पर। ठीक है, और जो पहली हेडलाइन है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। ये क्या है? ये आज का डे है जो आज सेलिब्रेट किया जाता है
29th नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 29th नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल, मतलब फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 29th नवंबर को। और आज क्या है? आज 29th नवंबर है, तो इसको याद कर लीजिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 29th नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ जी, गौरव द्विवेदी जी CEO हैं, वेरी वेल डन। हैप्पी बर्थडे इनका 23rd नवंबर को होता है। 1997 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और इस बार इन्होंने सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की है 23rd नवंबर को, वेरी वेल डन। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है, डिजिटल शक्ति 4.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जल्दी से बताइए। डिजिटल शक्ति 4.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसको हमने लास्ट वीक पढ़ा था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। डिजिटल शक्ति 4.0 किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। डिजिटल शक्ति 4.0 हो गया, प्रसार भारती का हैप्पी बर्थडे हो गया, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी आंसर बताइए, NCW के द्वारा इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, किसी का आंसर आया? नहीं आया, जल्दी से बताइए आंसर कमेंट करके। चेंज मेकर अवार्ड किसको दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, चेंज मेकर अवार्ड किसको दिया गया है। हाँ, वेरी वेल डन राहुल, रूपा। चलिए, NCW के द्वारा इसको क्या किया गया है, इसको लॉन्च किया गया था डिजिटल शक्ति 4.0। चेंज मेकर अवार्ड किसको दिया गया है, जल्दी से बताइए कमेंट करके, चेंज मेकर अवार्ड किसको दिया गया है, चेंज मेकर अवार्ड ये किसको दिया गया है। ये सारी जितने भी क्वेश्चन है वीमेंस से रिलेटेड हैं, ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारी वीमेंस से रिलेटेड है कि वीमेंस से रिलेटेड अभी रिसेंटली कौन कौन सी न्यूज़ रही है। तो चेंज मेकर अवार्ड ऑब्वियसली बात है किसी वीमेन को ही दिया गया, कौन है ये, नाम बताइए। सृष्टि बक्सी, क्या नाम है इनका, इनका नाम है सृष्टि बक्सी, ठीक है, सृष्टि बक्सी को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट वन इज IBSA ब्लाइंड फुटबॉल वीमेंस एशियन चैंपियनशिप 2022, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी इसको, जल्दी से बताइए। IBSA ब्लाइंड फुटबॉल वीमेंस एशियन चैंपियनशिप 2022 इसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, ये पद पढ़ाया था, इसका आंसर सृष्टि बक्सी होगा, इसका आंसर NCW होगा, ये बताइए कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी, जल्दी से कॉमेंट करके बताइए। ओके, सो इसको इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है, कौन होस्ट करेगा, इंडिया इसको होस्ट करेगा। विमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वेरी गुड, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। विमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, विमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट किसके द्वारा, मतलब कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसको, केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए, नेक्स्ट बताइए, HDFC सिक्योरिटीज ओपन्स वीमेंस ओनली डिजिटल, HDFC सिक्योरिटी ने, इन्होंने वीमेंस ओनली डिजिटल अपना जो इनका ब्रांच है इसको कहाँ पर ओपन किया है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। HDFC सिक्योरिटीज ओपन्स वीमेन ओनली डिजिटल, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसको ओपन किया गया है बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। मैस्कट फॉर 2023 फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप, फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप जो कि 2023 में होगा, इसका मैस्कट क्या है, पढ़ा था हम लोगों ने, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, बेंगलुरु होगा आंसर, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, मैस्कट क्या है, फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 का मैस्कट क्या है, इसका आंसर है ताजमी, क्या है करेक्ट आंसर, ताजमी ये मैस्कट है। महिला निधि प्रोजेक्ट, महिला निधि प्रोग्राम, महिला निधि स्कीम कुछ भी बोल सकते हैं, किसने लॉन्च किया है, रश्मि, रूपा, मीमांसा, राधे, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, मैंने पूछा 2023 फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप, मैंने वीमेंस वर्ल्ड कप पूछा है ना, ताजमी होगा आंसर, लाइव नहीं होगा, लाइव तो ये जो चल रहा है इसका है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, महिला निधि प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, इसको राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है।
एंड द फर्स्ट ऑल वीमेन ब्रांच इन नॉर्थ केरला. नॉर्थ केरला में जो पहला ऑल वीमेन ब्रांच है, इसको किस बैंक ने लॉन्च किया है? इसको HDFC बैंक ने लॉन्च किया है. ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो रिवाइज करना था हम लोगों को. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर. और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ द फॉरेन सेक्रेटरी. फॉरेन सेक्रेटरी हमारे कौन है? विनय मोहन क्वात्रा जी, है ना. नाम क्या है इनका? इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा. ये कौन है? ये फॉरेन सेक्रेटरी है ना. विनय मोहन क्वात्रा ये फॉरेन सेक्रेटरी है. जब ये फॉरेन सेक्रेटरी बने थे, है ना, तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला जी को रिप्लेस किया था. इन्होंने रिप्लेस किसको किया था? इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला जी को रिप्लेस किया था. जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि विनय मोहन क्वात्रा जी कौन से नंबर के फॉरेन सेक्रेटरी हैं. आपको बताना है कि विनय मोहन क्वात्रा जी ये कौन से नंबर के फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि विदेश सचिव हैं. इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला जी को रिप्लेस करके ये जो पोस्ट है इसको इन्होंने क्या किया था? अचीव किया था. ये 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे, बट अभी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2024 तक, है ना. 2024 तक के लिए इनका जो कार्यकाल है वो क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है. सो गवर्नमेंट ने फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा जी का जो कार्यकाल है इसको क्या कर दिया है? इसको एक्सटेंड कर दिया है. मुझे जल्दी से कॉमेंट करके बताइए ये कौन से नंबर के फॉरेन सेक्रेटरी हैं. ठीक है, जल्दी बताइए. हाँ, हर्षवर्धन श्रृंगला जी की जगह पर ये बने थे. सो अगर इनकी हम बात करें तो ये 34th नंबर के फॉरेन सेक्रेटरी हैं. ठीक है, 33rd पर कौन था? हर्षवर्धन श्रृंगला जी थे. ये 34th नंबर पर है और ये इनका जो कार्यकाल है ये क्या कर दिया गया है? ये बढ़ा दिया गया है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विनय मोहन क्वात्रा जी का जो कि फॉरेन सेक्रेटरी है हमारे, इनका जो कार्यकाल है इसको बढ़ा दिया है. कब तक के लिए? अप्रैल 2024 तक के लिए. अभी मैंने आपको बताया था 2024 तक के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है. ठीक है, दिसंबर में मतलब 31 दिसंबर को इनका कार्यकाल कंप्लीट होने वाला था, बट अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये 34th फॉरेन सेक्रेटरी बने थे इंडिया के. कब बने थे? 1 मई 2022 मई मंथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि हर्षवर्धन श्रृंगला जी को रिप्लेस करके ये 34th फॉरेन सेक्रेटरी बने थे हमारी कंट्री के. और अगर हम फॉरेन सेक्रेटरी की बात करें तो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर है ना, जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसके जो हेड होते हैं उनको हम फॉरेन सेक्रेटरी बोलते हैं. सो फॉरेन सेक्रेटरी कौन होते हैं? ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के हेड होते हैं. और अभी ये कौन है? ये विनय मोहन क्वात्रा जी हैं और इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला जी को रिप्लेस किया था. ठीक है, 34th नंबर के फॉरेन सेक्रेटरी के बने हैं. अब यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहला फॉरेन सेक्रेटरी, भारत के पहले विदेश सचिव कौन थे? तो इनका नाम है KPS मेनन. क्या नाम है? KPS मेनन. ये फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया के. तो अगर आपसे फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? KPS मेनन. ठीक है, KPS मेनन ये पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया के. इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट वीमेन फॉरेन सेक्रेटरी, है ना, कि पहली महिला विदेश सचिव कौन थी, तो इनका नाम है चोकिला अय्यर. क्या नाम है? इनका नाम है चोकिला अय्यर. 2001 and 2 में ये बनी थी. और ये क्या है? ये फर्स्ट वीमेन फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया की. क्लियर हो गया. और अगर हम यूनियन फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो एस जयशंकर जी हैं. ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है. सो फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया KPS मेनन जी हैं. फर्स्ट वीमेन फॉरेन सेक्रेटरी की बात करें तो 2001 और 2 में बनी थी. 2001 and 2 में इनका नाम चोकिला अय्यर है. एंड हमारे जो यूनियन फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम एस जयशंकर है. क्लियर हो गया. Is it clear? Okay. अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हेडलाइन पर. 2022 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन. सो यहाँ पर 2022 कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन जो एशिया पैसिफिक अवार्ड है इसको क्या किया गया? डिक्लेयर किया गया. और ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो अगर हम इसकी बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो म्यूजियम है जो कि मुंबई में है, इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस की कैटेगरी में सम्मानित किया गया. ठीक है, सो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है. ये क्या है? ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है. और आप लोगों को मैंने यूनेस्को का फुल फॉर्म याद भी कराया था, अगर याद हो, है ना. उसको ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था एंड देन हम लोगों ने याद किया था. तो आई रियली होप सो कि यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोगों को याद होगा. UN से क्या हो जाता है? यूनाइटेड नेशन हो जाता है. ई से क्या था? एजुकेशनल था. एस से क्या था? साइंटिफिक था. और सी से सी ओ से क्या था? कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. सो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है. सो यूनेस्को का जो एशिया पैसिफिक अवार्ड है कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, इसका अनाउंसमेंट किया गया और अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस की कैटेगरी में.
अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस की कैटेगरी में ये अवार्ड किसको दिया गया है? मुंबई के म्यूजियम को दिया गया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। संग्रहालय मतलब म्यूजियम होता है। सो मुंबई के छत्रपति, मतलब आप इसको शॉर्ट में लिख लीजिए CSMVS, ये क्या है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है। कहाँ पर है ये? मुंबई में है। ठीक है, ये मुंबई में है और इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। सो बस इतना याद करना है कि यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसको दिया गया है? ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को दिया गया है। ठीक है, हाँ जी, यूनेस्को का इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस है। 1945 लग रहा है, ये 45 है। ओके, ये 1945 है और ये पेरिस फ्रांस है, हेडक्वार्टर इसका। चलिए, क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? ओके, इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर अवार्ड्स हैं प्रोजेक्ट के, मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट के कुछ और भी अवार्ड है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस की कैटेगरी में हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये अवार्ड किसको दिया गया है? मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को दिया गया है ना, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। अगर हम बात करें अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन की, है ना, तो इसमें अलग अलग है। गोलकोंडा हैदराबाद, भारत की बावड़ी, जॉर्ज कनाट, यज्द, ईरान, नीलसन हेज लाइब्रेरी, बैंकॉक, थाईलैंड, इन सबको अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन में क्या किया गया है? इस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बाकी एक और कैटेगरी है अवार्ड ऑफ मेरिट। अवार्ड ऑफ मेरिट की अगर हम बात करें तो ये टोपडारा स्तूप, चारिकर, अफगानिस्तान, नानचियन, इंडिया, तेलंगाना, ईरान, काठमांडू, इन सबको इस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। इज इट क्लियर? हाँ, ऑड्री अजोले। चलिए, क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आते हैं हर घर गंगा जल। ये जो हर घर गंगा जल प्रोग्राम है, इसको किसने लॉन्च किया है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है बिहार गवर्नमेंट ने, है ना। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने हर घर गंगा जल स्कीम को लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? हर घर गंगा जल प्रोग्राम 2019 में नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता के अंदर एक बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, जहां पर इस हर घर गंगा जल प्रोग्राम को क्या हुआ था? अप्रूवल मिला था। सो बिहार ने क्या किया है? हर घर गंगा जल स्कीम को, या फिर हम प्रोग्राम बोल सकते हैं, इसको इन्होंने लॉन्च किया है, जिससे जो वाटर है ना, जो गंगा जल है, मतलब जब बाढ़ आती है तो गंगा जल जो बहुत ज़्यादा होता है उसको क्या किया जाएगा? उसको एक तरीके से कंजर्व किया जाएगा, जिससे टैप वाटर के थ्रू हर घर में ये गंगा जल प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो हर घर में टैप वाटर के थ्रू गंगा जल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे मतलब फ्लड को एक तरीके से, जो फ्लड वाटर होता है जो वेस्ट हो जाता है, तो उसको एक तरीके से कंजर्व किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, एंड देन उसको, वो जो वाटर है उसको पीने योग बनाया जाएगा, जिससे लोग उसको पी सके, है ना, वो हमारा ड्रिंकेबल हो। और उसके बाद वो क्या किया जाएगा? टैप वाटर के थ्रू सभी घरों में अवेलेबल किया कराया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। इसको बिहार के राजगीर में इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ पर लॉन्च किया गया है? बिहार के राजगीर में इसको लॉन्च किया गया है। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। सो ये एक यूनिक और एम्बिशियस इनिशिएटिव है, जिसमें गंगा वाटर को टैप के थ्रू राज्य में जो भी ड्राई एरियाज है वहाँ पर क्या किया जाएगा? प्रोवाइड किया जाएगा। सो हर घर गंगा जल बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसमें क्या किया जाएगा? जो गंगा वाटर है इसको टैप के थ्रू क्या किया जाएगा? उस राज्य के जो भी ड्राई एरियाज है ना, एक तरफ बाढ़ आती है, एक तरफ सूखा पड़ता है, तो जहाँ पर बाढ़ आती है उस पानी को कहाँ पर ले जाया, शिफ्ट किया जाएगा? जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, जहाँ पर ड्रॉट एरिया है। ठीक है, ये जो स्कीम है, इट विल हेल्प टू हार्वेस्ट द एक्सेस वाटर ऑफ द गंगा ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून सीजन में जो गंगा वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैंने अभी बताया, जो फ्लड आता है ना, बाढ़ आती है, उसको ये क्या करेगा? हार्वेस्ट करेगा, उसको स्टोर करेगा, कंजर्व करेगा, एंड देन इसको अवेलेबल करेगा ड्राई एरियाज में, जहाँ पर पानी की कमी होती है, और टैप वाटर के थ्रू उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये जो वाटर है, ये राजगीर और गया में क्या किया जाएगा? इसको स्टोर किया जाएगा। तो राजगीर और गया में जो रिजर्वायर है ना, राजगीर में इसको लॉन्च किया गया था सबसे पहला, इसका जो फेज है। सो राजगीर और गया में जो रिजर्वायर है, वहाँ पर क्या किया जाएगा? इस वाटर को स्टोर किया जाएगा बिफोर बीइंग चैनल्ड, है ना, मतलब इसको सप्लाई करने से पहले इसको राजगीर और गया में जो वहाँ पर रिजर्वायर है वहाँ पर इसको स्टोर किया जाएगा। फिर इसका ट्रीटमेंट, प्योरिफिकेशन वगैरह होगा, एंड देन पब्लिक को ये क्या किया जाएगा? सप्लाई किया जाएगा। तो पहले वाटर को प्योरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद फिर पहले स्टोर करेंगे, देन प्योरीफाई करेंगे, एंड देन पब्लिक के पास इसको क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। ठीक है, राजगीर और गया में स्टोर
स्टोर किया जाएगा, ये याद रखिएगा, राजगीर में इसको लॉन्च किया गया। ये जो हर घर गंगा जल प्रोग्राम है इनिशिएटिव है बिहार गवर्नमेंट का, जो जल जीवन हरियाली स्कीम है उसके अंतर्गत इस इनिशिएटिव को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। सो बिहार गवर्नमेंट के जल जीवन हरियाली स्कीम के अंडर इस इनिशिएटिव को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। क्लियर हो गया? ओके, सो हर घर गंगा जल इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। हाँ, नो बैग स्कीम भी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। वेरी वेल डन। 100% हाउस होल्ड विद टैप वाटर कनेक्शन गोवा। वेरी वेल डन प्रियांश। चलिए, क्लियर हो गया। ये जो स्कीम है ना, इससे राजगीर में, गया में बोध और बोध गया में, है ना, यहाँ पर अप्रॉक्स मोर देन 7.5 लाख हाउस होल्ड में इस स्कीम के अंडर क्या किया जाएगा, टैप वाटर के थ्रू गंगा वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर एक नंबर आपको याद करना है, 7.5 लाख हाउस होल्ड, मतलब लगभग इतने घरों में क्या किया जाएगा, गंगा वाटर प्रोवाइड किया जाएगा टैप कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, और इसका जो सेकंड फेज है, ये पहला फेज है जो स्टार्ट कर दिया गया बिहार के राजगीर में, इसको लॉन्च किया गया। इसका जो सेकंड फेज है ये 2023 में लॉन्च किया जाएगा और ये नावड़ा डिस्ट्रिक्ट को भी क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, मतलब अभी आपका राजगीर है, गया है, बोध गया है, और 2023 में जब इसका सेकंड फेज लॉन्च किया जाएगा तो वहां पर ये नावड़ा डिस्ट्रिक्ट को भी क्या करेगा, कवर करेगा। क्लियर हो गया? सिंपल सा याद करना है, हर घर गंगा जल इनिशिएटिव इज इक्वल टू बिहार। ठीक, ओके। अब यहां पर आते हैं, इंडियन नेवीज माइटी मिसाइल डिस्ट्रॉयर मार्मोगाव इज हियर, मतलब जो इंडियन नेवी का माइटी मिसाइल डिस्ट्रॉयर है मार्मोगाव, इसको क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया, इसको कमीशन किया गया। कौन से प्रोजेक्ट के अंडर? प्रोजेक्ट 15B। आप लोगों को याद होगा प्रोजेक्ट 15B हम लोगों ने पढ़ा था, इसके अंदर 4 डिस्ट्रॉयर बनाए जाएंगे। कितने डिस्ट्रॉयर बनाए जाएंगे? इसके अंदर 4, मतलब जो हमारा INS है जिसको हम बोलते हैं, 4 INS बनाए जाएंगे, है ना। और ये किस कैटेगरी में होंगे? ये डिस्ट्रॉयर होंगे, है ना, ये क्या होंगे, ये आपके डिस्ट्रॉयर कैटेगरी में होंगे। और ये कैसा होगा, ये आपका कोलकाता क्लास में होगा, है ना। सो यहाँ पर क्या है, जो हमारा प्रोजेक्ट 15B है जिसके अंदर 4 डिस्ट्रॉयर INS बनाए जाएंगे, है ना, 4 आपके डिस्ट्रॉयर INS बनाए जाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था INS विशाखापट्टनम, नवंबर में हम लोगों ने पढ़ा था, जो पहला इसका डिस्ट्रॉयर था वो क्या था, वो INS विशाखापट्टनम था, और ये नवंबर मंथ में लॉन्च किया गया था। और अब जो सेकेंड जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है, मार्मोगाव है, है ना। कहाँ पर ये, इसको किसके द्वारा बनाया गया था, इसको बनाया गया था मैजगॉन लिमिटेड के द्वारा, जो हमारा कहाँ पर है, मुंबई में है। सो इसको मैजगॉन टॉक्सिक ब्रिडर्स के द्वारा बनाया गया, जो कि कहाँ पर है, मुंबई में है। और इसको इंडियन नेवी को क्या किया गया, हैंड ओवर किया गया। सो द सेकेंड स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट 15B, कौन सा प्रोजेक्ट है ये, प्रोजेक्ट 15B है, जिसके अंदर कितने INS डिस्ट्रॉयर बनाए जाएंगे, 4 बनाए जाएंगे। पहला आपका INS विशाखापट्टनम था और दूसरा ये आपका INS मर्मोगाव है। ठीक है, किसके द्वारा इसको बनाया गया है, इसको मैजगॉन डॉक से बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ये कहाँ पर है, ये मुंबई में है। ठीक है, और इसको किसको डिलीवर किया गया, इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया। कब किया गया, 24 नवंबर को इंडियन नेवी को ये डिलीवर किया गया। ठीक है, ओके। सो नाम इसका क्या है, नाम इसका है INS मार्मोगाव। क्लियर हो गया, जल्दी बताइए नाम इसका क्या है, INS मार्मोगाव। ये जो कंस्ट्रक्शन है मार्मोगाव का, ये जून 2016 में स्टार्ट हो गया था और अब ये जाके इंडियन नेवी को क्या किया गया है, हैंड ओवर किया गया है, मैजगॉन शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है, इसको याद रखिएगा। हाँ जी, मार्मोगाव पोर्ट ये आपका गोवा में है। ठीक है, मार्मोगाव पोर्ट ये आपका गोवा में है, बट इसको लॉन्च कहाँ पर किया गया, मुंबई में किया गया। ठीक, कन्फ्यूज मत होइएगा मार्मोगाव से कि गोवा में लॉन्च किया गया, लॉन्च ये आपका मुंबई में किया गया। ठीक, ओके। सो ये अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, 4 शिप बनाए जाएंगे प्रोजेक्ट 15B के अंडर। ये कब आपका स्टार्ट हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2011 में, जहां पर एग्रीमेंट साइन किया गया था कि हम क्या करेंगे, हम 4 शिप्स बनाएंगे प्रोजेक्ट 15B के अंडर। यही मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया था कि प्रोजेक्ट 15B के अंडर 4 शिप्स बनाए जाएंगे, जो आपके INS डिस्ट्रॉयर होंगे, मतलब ये कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर होंगे। क्लास कैसा होगा, कोलकाता क्लास, और कैटेगरी इसकी क्या होगी, डिस्ट्रॉयर कैटेगरी में ये आपका आता है। ठीक है, तो कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर हम इसको बोल सकते हैं। ये कौन सी कैटेगरी में होगा, ये डिस्ट्रॉयर कैटेगरी में होगा, पहला INS विशाखापट्टनम है और दूसरा ये INS मार्मोगाव है। क्लियर हो गया, जल्दी बताइए, क्लियर हो गया।
ये लिखा हुआ है, द लेट सी पॉप प्रोजेक्ट 15वीं आईएनएस विशाखापट्टनम वॉज कमीशन इन टू द इंडियन नेवी इन नवंबर लास्ट ईयर. लास्ट ईयर नवंबर मंथ में इसका जो पहला डिस्ट्रॉयर था, मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम, ये क्या किया गया था, ये लॉन्च किया गया था. वो पहला था, अभी ये दूसरा किया गया है, अभी दो और हैं जो लॉन्च किए जाएंगे. ठीक है, बस इतना याद कर लीजिए. ओके, अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर. और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है, इंडिया विंस आईईसी वाइस प्रेसिडेंसी एसएमबी चेयर फॉर 2023-25 टर्म. सो 2023 से 2025 के लिए इंडिया ने आईईसी वाइस प्रेसिडेंसी एसएमबी चेयर को क्या किया है, इसको इन्होंने जीता है, मतलब इसके सह अध्यक्षता इंडिया के द्वारा किया जाएगा. सो इंडिया हैज़ वन द पोस्ट ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ द आईईसी. क्या है आपका, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन. सो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, इसका जो वाइस चेयरमैनशिप है इसको इंडिया ने जीता है. एंड चेयरमैन ऑफ द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बोर्ड फॉर द टर्म 2023-25. सो 2023 से 2025 के टाइम पीरियड के लिए इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के वाइस चेयरमैनशिप की पोस्ट को इन्होंने क्या किया है, जीता है. और इसके अलावा इन्होंने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैनशिप को इन्होंने क्या किया है, जीता है. क्लियर हो गया, टाइम पीरियड याद रखिएगा किसकी हम बात कर रहे हैं, कौन सा कमीशन है. सो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का वाइस चेयरमैन के पोस्ट के लिए इनको सेलेक्ट किया गया है, और दूसरा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन के लिए इंडिया को सेलेक्ट किया गया है. इज इट क्लियर? हाँ. सो ये जो मीटिंग है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन की, ये रिसेंटली यूएसए में ऑर्गेनाइज की गई थी. यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में इसको क्या किया गया था, इसको कंडक्ट कराया गया था. और उस दौरान ये अनाउंस किया गया कि इंडिया को ये क्या किया जा रहा है, ये हैंडओवर किया जा रहा है, मतलब इंडिया ने वोटिंग के थ्रू इसको जीता था. इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव इन द आईसी एंड वेरियस टेक्निकल कमिटी ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वर इलेक्टेड. सो इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इनको वोटिंग के थ्रू क्या किया गया, सेलेक्ट किया गया, कौन ही पढ़ना है. अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, उनका नाम है विमल महेंद्रू. ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है विमल महेंद्रू. ये नाम जरूर याद रखिएगा. सो विमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले आईसी उपाध्यक्ष होंगे. सो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले जो आईसी के वाइस प्रेसिडेंट होंगे, इनका नाम क्या है, इनका नाम है विमल महेंद्रू. ठीक है, ओके, क्लियर हो गया. ओके, चलिए अब यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन की बात कर लें, तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1906 में. इसका फाउंडेशन कब हुआ था, इसका फाउंडेशन हुआ था 1906 में. और ये वर्ल्ड का लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज. सो हमारी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उसके पब्लिकेशन के लिए, उसके प्रिपरेशन के लिए ये वर्ल्ड का लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है. नाम क्या है इसका, नाम है इसका इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन. और इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1906 में इसका फाउंडेशन हुआ था. क्लियर हो गया. ओके, आईसी की अगर हम बात करें तो इसका जो एपेक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टैंडर्डाइजेशन मैनेजमेंट बोर्ड है. ठीक, ये सब नहीं याद करना है, जो मेन था वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इस कमीशन की वाइस अध्यक्षता इंडिया को हैंडओवर की गई है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे उनका नाम आपको याद करना है. ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज ऑस्ट हिंड 2022 की. नाम से पता चल रहा होगा कि ये जो ऑस्ट हिंड एक्सरसाइज है ये किन कंट्रीज के बीच में होती है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए. मैप में आपको दिख भी रहा है, मैप नहीं, फ्लैग में आपको दिख रहा है कि किन दो कंट्रीज के बीच में होती है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए ये जो एक्सरसाइज है ऑस्ट हिंड ये किन दो कंट्रीज के बीच में होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए. एक कंट्री ये है और दूसरी कंट्री ये है, जल्दी से कमेंट करके बताइए. ओके, सो दो कंट्रीज के बीच में है, दैट मीन्स ये कैसी एक्सरसाइज है, ये बायलेटरल एक्सरसाइज है ना, दो कंट्रीज के बीच में हो रही है तो ये बायलेटरल एक्सरसाइज है. किन के बीच में होती है ये आपका इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में होती है. ठीक है, तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है. ऑस लिखा हुआ था ना, तो ऑस्ट्रेलिया ही होगा. ये क्या होगा, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया किसके बीच में होती है, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के आर्मी के बीच में होती है, मतलब इंडियन आर्मी होते हैं और
ऑस्ट्रेलियन आर्मी होते हैं। कैसी एक्सरसाइज है ये? बायलेटरल एक्सरसाइज है क्योंकि दो कंट्रीज इसमें होते हैं। सो बायलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज नाम क्या है? ऑस्ट्रहिन 22। ऑस्ट मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। सो ऑस्ट्रहिन 22 ये इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में कंडक्ट कराया गया, कहाँ पर? राजस्थान में, ठीक है। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि इसको कहाँ पर रिसेंटली और कंडक्ट कराया गया, तो इसको राजस्थान में कंडक्ट कराया गया। क्लियर हो गया? सो महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। कहाँ पर स्टार्ट की, कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है इस एक्सरसाइज की? राजस्थान में हुई है। सो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसकी शुरुआत की गई है और ये जो एक्सरसाइज है ये आपका 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक कंटिन्यू करेगा। कब से कब तक? 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और जो भी प्रैक्टिसेस वगैरह हैं वो किए जाएंगे। सो ये बायलेटरल एक्सरसाइज है। क्या क्या चीज़ें याद करनी है? बायलेटरल एक्सरसाइज है, नाम क्या है एक्सरसाइज का? ऑस्ट्रहिन 22, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, बायलेटरल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। किसके बीच में होती है? इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है? राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई है और 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक ये कंटिन्यू रहेगा। इतना क्लियर हो गया? हाँ जी, ऑस इंडेक्स भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज इन द सीरीज ऑफ ऑस्ट्रहिन विद द पार्टिसिपेशन ऑफ आर्म्स एंड सर्विसेज कंटाइजेंट फ्रॉम बोथ आर्मीज, दोनों आर्मीज के बीच में ये ऑस्ट्रहिन का जो सीरीज है इसका ये पहला एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये पहली एक्सरसाइज है ऑस्ट्रहिन की जिसमें दोनों कंट्रीज की जो आर्मीज है वो क्या कर रही है? अपने हथियार के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। रीज़न क्या होता है किसी भी एक्सरसाइज का? आपको पता है जो भी चैलेंजेस है उसको कैसे फेस करना है, कैसे हम नए टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं और जो भी चीज़ें हैं आपस में ये लोग क्या करते हैं? शेयर करते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, हाँ जी, 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक ये कंटिन्यू करेगा। सो यहाँ पर ये लिस्ट है जो रिसेंटली कुछ एक्सरसाइज हुई थी, इसको आप लोगों को याद करना है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम बात करें जैद तलवार 2021 की, तो ये किसके बीच में होती है? इंडिया और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की नेवी के बीच में होती है, ठीक है। सो जैद तलवार 2021 इंडिया एंड यूनाइटेड अरब इमिरेट्स नेवी के बीच में होती है, ठीक है। संप्रीति की बात करें तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। एक्सरसाइज संप्रीति किसके बीच में होती है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट कराया जाता है। हरिमाओ शक्ति की बात करें तो ये इंडिया और मलेशिया के बीच में कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। इकोवेरियन एग्जाम में भी आया हुआ है, इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में होता है। शेन्यू मैत्री की बात करें तो ये इंडिया एंड जापान एयरफोर्स की, मतलब ये एयर एक्सरसाइज है, एयरफोर्स के बीच में होता है, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट हो गया है 11 दिसंबर तक, तो कंटिन्यू करेगा। कल स्टार्ट हुआ तभी तो आज पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज जिम्बिक्स की बात करें तो ये इंडिया और जापान नेवी के बीच में होता है, मतलब ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। सो जाइमिक्स ये इंडिया और जापान के बीच में होता है। शाइनियो मैत्री ये भी इंडिया और जापान के बीच में होता है, ये एयर एक्सरसाइज है और ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। शाइनियो मैत्री ये एयर एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में, और जाइमिक्स ये इंडिया और जापान के बीच में नेवल एक्सरसाइज है। इन दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। क्लियर हो गया? ओके, अब यहाँ पर एक देख लेते हैं बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। बुक का नाम है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये जो बुक है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसको धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया। सो धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सो याद कर लीजिए, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर अब ऑथर ना पूछ करके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, है ना। ज़्यादातर बुक लॉन्च की जाती है, सो वैसे लॉन्च तो सारी बुक की जाती है, तो ऑथर ना पूछ करके आजकल एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सी बुक को किसने लॉन्च किया है। सो इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये जो बुक है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये कौन है? ये हमारी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इन्होंने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी बुक को रिलीज़ किया है और ये जो बुक है इसको पब्लिश किया गया है, प्रिपेयर किया गया किसके द्वारा? आईसीएचआर के द्वारा इस बुक को क्या किया गया? प्रिपेयर किया गया और पब्लिश किया गया। आईसीएचआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। सो यहाँ पर इंडियन हो गया, यहाँ पर काउंसिल हो गया, यहाँ पर हिस्टोरिकल हो गया और यहाँ पर रिसर्च हो गया, ठीक है। सो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा इस बुक को प्रिपेयर किया गया और पब्लिश किया गया। कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। और इस बुक को किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया। बुक का नाम क्या है? इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हैज इट क्लियर?
सो यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड ये आपकी एक लिस्ट है, इसको भी आपको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है और याद करना है. याद इसलिए करना है क्योंकि स्टार्टिंग में जो आप लोगों का टेस्ट लेते हैं ना, कल इसी का रेस्ट लेंगे. आज मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ और कल मैं ये सारे बुक्स आप लोगों से पूछूंगी कि इस बुक के ऑथर कौन है. नाउ यू ब्रीथ, नाउ यू ब्रीथ किसकी बुक है, राखी कपूर की. द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, साइमन सेबाग, अभी थोड़ी दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था. न्यूक्लियलाइजेशन ऑफ एशिया, इसके फ्रेंच ऑथर रेनी नाबा है. पैंडमिक डिसरप्शन एंड ओडिशा लेसन, लिस्ट है आपके पास, अभी नहीं इसको डिस्कस करेंगे, कल मैं आप लोगों से पूछूंगी. सिर्फ बुक का नाम होगा और आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है. तो इसको पढ़ के आइएगा, ये आप लोगों को मैंने आज कंटेंट दे दिया है, टेस्ट आपका ये कल होगा, ठीक. कल स्टार्टिंग में पहले ये पूछेंगे, उसके बाद सेशन के स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है. चलिए अब यहां पर आते हैं. फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू स्टेट प्रेसिडियम इन जर्मनी, इनका नाम क्या है, गुरु रंधावा. इनका नाम है गुरु रंधावा, ये वो वाले गुरु रंधावा नहीं है, ठीक है. सो गुरदीप सिंह रंधावा इनका नाम है. इंडियन ओरिजिन जर्मन सिटीजन, इनका नाम क्या है, गुरदीप सिंह रंधावा, है ना. आप लोगों को लगा गुरु रंधावा जी न्यूज़ में आ गए, इनका नाम है गुरदीप सिंह रंधावा, ठीक है. गुरदीप सिंह रंधावा, इनको क्या किया गया है, इनको थुरिंजिया स्टेट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी का प्रेसिडीजियम एज अ प्रेसिडीजियम अपॉइंट किया गया है जर्मनी में. सो भारतीय मूल के जर्मन नागरिक, इंडियन ओरिजिन जर्मन सिटीजन गुरदीप सिंह रंधावा को जर्मनी में थुरिंजिया राज्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी प्रेसिडीजियम में इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, ठीक है. हाँ, क्वेश्चन आउट हो गया है आप लोगों को, मैंने इसीलिए वो पूरा कंटेंट दिया है कि जिससे आप लोग उसको याद करें, और कल मैं पूछूंगी आप लोगों से तो देखेंगे आप लोग चीटिंग भी कितने अच्छे से कर पाते हैं. क्वेश्चन आपके पास है, आंसर आपके पास है, कल आप कितना बता पाएंगे, ठीक है. तो आप लोग उसको चीटिंग करना सिखा रहे हैं. चलिए, सो अगर हम रंधावा की बात करें, सो रंधावा हैज़ बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ द CDU एंड हैज सर्व द पार्टी फॉर सेवरल ईयर्स. ये इस CDU क्या है, ये क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी है, इसके ये एक्टिव मेंबर रहे हैं बहुत सालों से, और अब इनको इसमें क्या किया गया है, इसमें इनको अपॉइंट किया गया है, इस पार्टी में, CDU पार्टी में इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है. क्लियर हो गया. हाँ, इनका नाम गुरदीप सिंह रंधावा है. ओके, इसके अलावा अगर गुरदीप सिंह रंधावा जी की बात करें तो थोड़े दिन पहले इनको फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन कम्युनिटी क्या किया गया था, इलेक्ट किया गया था, कहाँ पर, जर्मनी में. तो थोड़े दिन पहले जर्मनी में इनको फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इलेक्ट किया गया था अगस्त मंथ में. सो ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन जर्मनी, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी इंडियन ओरिजिन जर्मन नेशनल को अपॉइंट किया गया है एज अ स्टेट प्रेसिडियम इन जर्मनी बाय द CDU. ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका टेस्ट नहीं है, इसका टेस्ट ऑलरेडी आप लोगों का होता रहता है. ये इसलिए आप लोगों को दिया है कि जिन लोगों के पास ये लिस्ट नहीं है आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है. सो अभी रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा था 2-3 दिन पहले कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के जो चेयरमैन हैं इनका नाम TG सीतारमन है. KVIC के जो CEO बने हैं इनका नाम विनीत कुमार है, और कमिटी फॉर वेट एंड मेजर्स के जो मेंबर बने हैं इनका नाम वेणुगोपाल अजंता है. तो ये भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, किसी दिन अचानक से इसका भी टेस्ट लेंगे, ठीक है. आपको सारे टॉपिक्स में प्रोवाइड करती जा रही हूँ और आप लोगों को वो याद करते रहना, ठीक है. अब यहाँ पर याद करते हैं, अम्लन स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है. सो हमारी जो ओडिशा गवर्नमेंट है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अम्लन स्कीम को लॉन्च किया है. इसको देख के कुछ पता चल रहा है, ये क्या है, ब्लड है, ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज होती है ना, एनीमिया. जब खून की कमी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनीमिया, और उसी को इरेडिकेट करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है अम्लन. अम्लन का फुल फॉर्म है एनीमिया. एनीमिया क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना. हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसको हम एनीमिया बोलते हैं. सो अम्लन जो स्कीम है ना, जो अम्लन प्रोग्राम है जिसको ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसका फुल फॉर्म है एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, ठीक है. ये क्या है, ये इसका फुल फॉर्म है. सो फुल फॉर्म क्या है, एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान प्रोग्राम. किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा. सो ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है. मेन इसका पर्पस यही है कि जो एनीमिया है उसको क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे, है ना. सो इट इज़ अ मल्टी डिपार्टमेंटल
कंप्लेन टू रिड्यूस एनीमिया और हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी इन दी स्टेट, जो हीमोग्लोबिन की कमी है, जो एनीमिया है, इसको रिड्यूस करना, इसको कम करना, यही इस इनिशिएटिव का, इस प्रोग्राम का क्या है, मेन एम है, ठीक है। चलिए बाकी वही है, यहाँ पर क्या किया जाएगा, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, वहाँ पर एक तरीके से न्यूट्रिशन के थ्रू एनीमिया को रिप्लेस किया जाएगा, जैसे हम लोगों का वो पोषण अभियान है ना, उसी की तरह ये भी है आपका। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, लेजेंडरी एथलीट पीटी उषा इलेक्टेड एज अ फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन। सो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, इनका नाम क्या है, पीटी उषा। सो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक कमिटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज पीटी उषा, ठीक है। क्या नाम है इनका, पीटी उषा। चलिए यहां पर देखते हैं, पीटी उषा, ठीक है, ये नाम याद कर लीजिए इनको, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। सो पीटी उषा की अगर बात करें तो इन्होंने एशियन गेम्स में बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। सेम टाइम 1984 ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था, 400 मीटर हर्डल में इन्होंने चौथे स्थान पर ये रही थी, फोर्थ पोजीशन पर ये रही थी, ठीक है। हाँ जी, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, याद हो जाएगा तो बताइएगा। चलिए पीटी उषा की अगर हम बात करें तो इन्होंने एशियन गेम में टोटल 11 मेडल जीते हैं, ठीक है, एशियन गेम में इन्होंने टोटल 11 मेडल जीते हैं एंड 23 मेडल इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में जीते हैं। सो अपने करियर में पीटी उषा ने एशियन गेम्स में 11 मेडल जीते हैं और एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने 23 मेडल जीते हैं, और अगर ओवरऑल की बात करें तो इन्होंने 18 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है, अपने करियर में इन्होंने 18 गोल्ड मेडल जीते हैं। सो 11 मेडल्स इन्होंने एशियन गेम्स में जीता है, 23 मेडल इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में जीता है, और जिसमें से 18 इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ में आई है, जिनसे रिलेटेड कुछ इनका जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें पीटी उषा जी की, तो इन्होंने एशियन गेम में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। एशियन गेम में इन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, और एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने 14 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है, टोटल कितने हो गए, 18, है ना। सो इन्होंने एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल जीता है और एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने 14 गोल्ड मेडल जीता है, और करेंटली ये कमिटी हेड है प्रतिभा संघ ऑफ इंडिया की। सो जो प्रतिभा संघ ऑफ इंडिया है उसकी ये हेड है उस कमिटी की, ठीक है, बस और कुछ नहीं याद करना है। चलिए हाँ, एक पॉइंट और ये है, अजय पटेल ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं रिवीजन पर और जल्दी से क्वेश्चन आंसर करते हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सोनजल 2022 इज एन एनुअल यूथ फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सोनजल 2022 ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला वार्षिक युवा महोत्सव है, उत्सव है। जेली लद्दाख, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, सोनजल फेस्टिवल यूथ फेस्टिवल है, एनुअल यूथ फेस्टिवल, वेरी वेल डन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। विच सिटी इज ऑल सेट टू होस्ट द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग इन इंडिया फ्रॉम 4th to 7th December 2022। कौन सा शहर 4th to 7th December 2022 तक भारत में पहले G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है, इसका आंसर क्या होगा, जयपुर, उदयपुर, मुंबई, वाराणसी, इसका आंसर क्या होगा, जयपुर, उदयपुर, मुंबई, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर, वेरी वेल डन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उदयपुर। क्या है करेक्ट आंसर, उदयपुर इज द करेक्ट आंसर। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ये इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि अभी जो टॉप 50 मतलब टाइम्स हायर एजुकेशन ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग सर्वे आया था, इसमें टॉप 50 में IIT दिल्ली में शामिल है, और IIT दिल्ली की रैंक कितनी है ये आपको कमेंट करके बताना है, वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आप लोग अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, द इंडियन गवर्नमेंट हैज इनवाइटेड विच कंट्रीज प्रेसिडेंट एज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2023, इसका आंसर क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट को रिपब्लिक डे परेड में एज अ चीफ गेस्ट अपॉइंट किया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इजिप्ट। क्या है करेक्ट आंसर, इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज द ओनली इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अमंग द टॉप 50 इन द ग्लोबल यूनिवर्सिटी इम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग बाय द टाइम्स हायर एजुकेशन. जिसकी रैंक मैंने पूछी है वही इसका आंसर होगा. वो आपको होमवर्क क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पर उस इंस्टीट्यूट का नाम ऑलरेडी मेंशन है. बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर. वेरी गुड, IIT Delhi इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल हैव द फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ द कंट्री बाय स्काई रूट एरोस्पेस. निम्नलिखित में से किस राज्य में स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा देश के पहले एकीकृत रॉकेट डिजाइन निर्माण और परीक्षण सुविधा होगी. तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना. तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज अनवर इब्राहिम हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. अनवर इब्राहिम को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है. बांग्लादेश, ओमान, सिंगापुर, मलेशिया. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मलेशिया. क्या है करेक्ट आंसर, मलेशिया इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज निक्षय मित्र अम्बेस्टर. निक्षय मित्र अम्बेस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. दीपा मलिक, अवनि लेखरा, देवेंद्र छाजरिया, विक्रम सिंह मलिक. इसका आंसर क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा. ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दीपा मलिक. क्या है करेक्ट आंसर, दीपा मलिक इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट मेल प्लेयर टू स्कोर इन 5 वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेस्सी, करीम बेंजिमा, सर्जियो रैमोस. इसका आंसर क्या होगा. ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो. क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज विक्रम गोखले हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 77 ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड. विक्रम गोखले जिनका हाल ही में देहांत हो गया वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे. क्या वो एक राइटर थे, वो एक पॉलिटिशियन थे, वो एक एक्टर थे, या फिर वो एक सोशल वर्कर थे. इसका आंसर क्या होगा. ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्टर. वो क्या थे, ये एक एक्टर थे. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है. नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है. IIT Delhi की रैंक आपको बतानी है. ठीक है, IIT Delhi की रैंक कितनी है ये आपको क्या करना है, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है जो आप हमें कमेंट करके बताएंगे. सो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है. नेक्स्ट एडिटोरियल की क्लास है उसमें आप लोग कंटिन्यू करिएगा. सो बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच.